नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल खत्म नहीं हो रही। अभी महागठबंधन को लेकर एक बड़ा जो है बड़ी बातें सामने आ रही है। लगातार सुनने को मिल रहा है कि महागठबंधन में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, लेकिन महागठबंधन के अंदर महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, उसमें एक बड़ी टूट देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का जो है सत्यापन कुछ समय के बाद हो जाएगा। क्या है मामला, एक जो खबर है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, खबर विशाल आपको बताएंगे, लेकिन राजद के लिए बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। विशाल, लगातार बातें सुनने को आ रही है कि राजद की परेशानियां बढ़ने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें टूट हो सकती है अभी कुछ दिनों में। और क्या खबर है, मैं चाहूंगा कि विशाल आप बताएं दर्शकों को कि क्या खबर है। देखिए राकेश जी, दरअसल बात यह कि जिस लगातार राजद 15 सालों से सत्ता का सुख नहीं भोग रही है। 2005 में हार गई, 2010 में, 2010 की बात करें छोड़ दे तो फिर 2015 में कुछ सालों का आंशिक उन्होंने सत्ता का सुख पाया, फिर दो साल के बाद सत्ता हाथ से चली गई, बीजेपी के साथ नीतीश बाबू चले गए। फिर वहीं कहें 2020 में नीतीश बाबू के खिलाफ तेजस्वी ने चुनाव लड़ा और कहा जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं राजद सत्ता में आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। 19-20 के आंकड़ों से एनडीए सरकार बना लिया, लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है कि आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है राजद, इसको लेकर एक फरमान जारी किया है अपने जो तमाम विधायक हैं, 75 विधायक और जितने भी एमएलसी, उसके लिए फरमान जारी किया गया है कि 10,000 रुपये महीने आपको देना ही होगा। और जो पूर्व विधायक हैं उसको लेकर के भी फरमान जारी किया कि उनको तो कम से कम 4,000 रुपये से कम नहीं देना है। और जो एक पिछले बार का प्रस्ताव की बात करें तो पिछले बार 25,000 रुपये को लेकर के प्रस्ताव पर बात बना था, लेकिन कई विधायकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से 10,000 रुपये पर बात बन गई है। लेकिन अब जो तमाम, जिस तरह से बीजेपी का हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम जिले में ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उसको लेकर के संगठन है, और संगठन में तो पैसा लगता है, खर्च पैसा खर्च होता है, उसको लेकर पैसा कहाँ से आएगा, तो विधायकों से यह पैसा लिया जाएगा, जिस तरह से राजद का यह फरमान जारी किया गया है। और जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी पैसा लिया जाएगा। तमाम जो अभी खबरें आ रही है कि राजद अभी आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, बुरी दौर से राजद गुजर रही है। जी हाँ, तो विशाल ने आपको बताया कि राजद की मुश्किलें इस वजह से बढ़ती दिख रही है क्योंकि राजद फिलहाल अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर हो रही है। और इसको लेकर कई सारे बातें विशाल ने आपको बताई कि किस तरीके से वो विधायकों से पैसे लेकर उसके बाद फिर जो कार्यकर्ताओं को देने का काम करेगी आगे। मेंटेनेंस, ऑफिसर्स का मेंटेनेंस होगा, ऑफिस कार्यालय में जिस तरह से डेली जो पैसा खर्च होता है उससे सारा कुछ निकाला जाएगा, विधायक फंड से ही, और फिर पुराने जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, एमएलसी हैं, सभी से पैसा लेकर के इकट्ठा किया जाएगा और संगठन में कार्य में खर्च किए जाएंगे। जी, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव, यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और साथ ही अगर आप सच्ची और अच्छी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह सहयोग 1 रुपए का हो या फिर आप जितना चाहें। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।